धमाकेदार प्राइम मूवीज देखने के लिए एनएच प्राइम को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। गाड़ी रोको। हुजूर, हुजूर के बच्चे, इस तरह ब्रेक लगाया जाता है? हुजूर जैसी सदा वैसी अदा, आप चिल्लाए हम घबराए, मारा तो अधूरा लग गया पूरा, जल्दबाजी में शेर हुआ। हुजूर बात मतलब की है यारो, अगर कोई मेरी सुने है ये आशिक की सदा, जैसी कहे वैसी सुने। बकवास बंद कर। कर दी। नीचे उतरो। उतर गया हुजूर। ये लो फकीर हम बांटो। एक बात कहूँ हुजूर? क्या है? देखिए ना, आप जैसा कोई अमीर नहीं और मुझ जैसा कोई फकीर नहीं, यही फैसला कर डालते नहीं? नहीं जमीन ये तेरा, ये मेरा। इस पेट का भी ख्याल कर बाबा। ये तेरा, ये मेरा। ये तेरा, ये मेरा। ये तेरा, ये मेरा। ये तेरा, मेरा। तेरा, मेरा। तेरा, ये तेरा, मेरा। तेरा, मेरा। घटिया राम, जल्दी चलो। बांटने गर्मी में माल के साथ थैली भी बांट गया। अच्छा बैठो। और ये क्या है? ये अब आपसे क्या छुपाऊं, बात असल ये है कि इस मंदिर के फकीर बड़े अमीर हैं और अपने मोहल्ले में एक हनुमान का मंदिर है, बेचारे बड़े करके फकीर हैं, उनके लिए बचाया था। थैली इधर लाओ, मैं बांट दूंगा। उनके लिए बचाया था। चलो
चलिए कैसे भैया? मजे में है। तुम्हारा नाम क्या है? लानत है अपने आप पर और फिर अपने बाप पर जिसने मेरा नाम घसीटा राम रख दिया। वो तो भला हो शायरी का जिसने मुझे आशिक बना दिया। आपकी तारीफ? तारीफ तो हम कुछ नहीं जानते, मुद्दा ये कि हम गाजीपुर और मिर्जापुर के बीच के रहे वाले हैं ड्राइवर साहब। हम तेरे को ड्राइवर दिखते और नहीं तो का कोचवान दिखा तो। अरे हम लोगों के यहाँ जान लोग मोटर हाँकते है ना, उसको ड्राइवर ही कहते हैं। ड्राइवर साहब देख बे, हम ड्राइवर नहीं है, शायर हैं। आज नहीं तो कल बंबई जाऊंगा, फिल्म में गाने लिखूंगा और लाखों रुपए कमाऊंगा। कभी रात दिन का साथ था और जुदा हुए तो ऐसे कि अब 10 बरस बाद मिल रहे हैं। जी में तो आया कि बाहर नौकरों के सामने ही शुरू हो जाऊं और तेरी बैरिस्ट्री धरी की धरी रह जाए। अरे यार मुझे भी तुम्हारी राय बहादुरी का ख्याल आ गया। हाँ अरे यार जब गले से मिल गए सारा गिला जाता रहा। गिला तो मुझे इस बात का है रणधीर। क्या? कि तुम देहरादून से ऐसे गायब हुए जैसे जवानी। अरे यार तुम भी आते रहे जाते रहे, कभी इंग्लैंड कभी अमेरिका, ना आए तो सिर्फ यहाँ। कुछ परेशानियां ही ऐसी थी कि दिल्ली में रुकना ही नहीं हुआ। अरे यार अच्छा हुआ अब आ तो गए, यही मेरे लिए गनीमत है। हाँ बताओ अर्चना कैसी है? सुना है स्विट्जरलैंड पढ़ने गई है। गई थी, वापस आ गई। क्यों? तबीयत ही नहीं लगी। उसे ही तो यूनिवर्सिटी में दाखिल कराने यहाँ आया था। दिल्ली में मकान भी ले लिया। वाह वाह, इसका मतलब ये हुआ कि आप अपना डेरा यहीं डालोगे? नहीं यार, मैं तो कंपनी के झगड़ों के सिलसिले में इंग्लैंड जा रहा हूँ, कोई 8-10 महीने। पहचाना? तेरा ही है। नहीं तो क्या मोहल्ले वालों का है? अरे राकेश जैसा बेटा सिर्फ रणधीर ही पैदा कर सकता है। ओ, अपनी गलती पर इतना नाज? नाज नहीं फख्र। अरे भगवान ऐसा बेटा सबको दे। वाकई इतना लायक? क्या कर रहा है? बरखुरदार के सर पर पढ़ाई का भूत सवार है, आजकल रिसर्च कर रहा है। दोस्तों मैं रिसर्च करते हुए इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि लड़कियां 4 किस्म की होती हैं। 4 किस्म की? हाँ 4 किस्म की। धर्मचंद बोल करमचंद। नालायक, हमेशा कागजी कार्रवाई करते रहोगे, कभी तो प्रैक्टिकल करने की कोशिश करो। मैं तुम लोगों की जिंदगी सुधारना चाहता हूँ और तुम कुत्ते की दुम की तरह सीधा होने के लिए तैयार ही नहीं हो। नहीं नहीं ऐसा ना कहिए, मैं तो हमेशा आप जैसे ज्ञानी के उपदेशों पर चलने की कोशिश करता हूँ और इसी कोशिश में लड़कियों के दर्जनों सैंडल और मेरे अपने 23 चश्मे टूट चुके हैं। मैं आज की इस हरकत के लिए बेहद शर्मिंदा हूँ। कहिए आप क्या बता रहे थे? मैं अपनी रिसर्च का निचोड़ बता रहा था कि लड़कियां 4 किस्म की होती हैं। सच? यस। कौन कौन सी? सुनो। हे सुनो 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 सुनो, कन्याओं का वर्णन करता है ये ज्ञानी, होती है ये 4 किस्म की, सुन लो मेरी जुबानी जुबानी। सुनो सुनो, एक आग एक पानी, एक प्रेम दीवानी, सबसे उत्तम वो जो अपनी ना
प्रेम दीवानी, सबसे उत्तम वो जो अपनी ना बेगानी, बेगानी सुनो सुनो लड़की, मेरे देश की लड़की, सोना निकले निकले हीरे मोती, मेरे देश की लड़की, होए होए मेरे देश की लड़की। अब आगे तेरी
गुरु पांचवे किस्म की भी है, बोले तो बिजली चले तो तूफान। असंभव है, असंभव है। इस प्रकार की किसी भी कन्या ने इस महाविद्यालय में प्रवेश नहीं किया। प्रवेश कर चुकी है गुरुदेव। तो उसका मतलब है मेरी रिसर्च अभी तक अधूरी है। ऑफ कोर्स। देवियों को पहचानने में देवता लोग मार खा गए, फिर हम तुम किस खेत की मूली है। चलो मुझे बताओ कहाँ है। नहीं गुरु, बड़ी खतरनाक चीज है, जूता खाते खाते बचा हूँ। अरे मुझे मारने वाली अभी तक कोई पैदा ही नहीं हुई। चल गुरु, मगर मैं दूसरे दिखा दूंगा। दूसरे दिखा देना, चल ना। मगर गुरु ये जस्तो बदल लो। देवी जी, मुझे भाग्य को मालूम नहीं था कि आपकी पसंद क्या है। मैं जल्दी में पूरा गमला उठा लाया। आपको जो फूल पसंद है आप तोड़ लीजिए, ये लीजिए। आपकी तारीफ। बंदे की दुनिया आपका आशिक कहती है। बदतमीज। बदनसीब। तुम्हारी माँ बहने नहीं है क्या? जी नहीं। लोफर। सीटी क्यों बजाई? जी बचपन से आदत है। और अगर मुझे सैंडल मारने की आदत हो तो ये बुरी आदत होगी। मिस्टर, ये फ्लर्ट करने की आदत तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो लड़कों के रिमार्क्स को बर्दाश्त कर लेती है। अगर फिर कभी बदतमीजी की तो उसका जवाब तुम्हें मिल जाएगा, समझे? I'm sorry. ये लीजिए। और तुम ये लेते जाओ। मारा गया अपना विद्यार्थी मेरे चक्कर में। क्या हुआ कमल? कुछ नहीं, दुनिया में शराफत का यही इनाम है। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, हमारी पनाह में आ जाओ, मिनटों में बदला ले लूंगा। लड़कियों से झगड़ा करना आपको शोभा देता है, मुझे नहीं। और मार खाना आपको शोभा देता है, हमें नहीं। तेरे नैनों के मतवाले पन की कसम, ये ना होगा कि मैकश तरस जाएंगे। मन के पापी पपियों की आवाज पर तेरी जुल्फों के सावन बरस जाएंगे। मैं वही हूं जिसे दुनिया कहती है आपका आशिक। हो सकता है कि मेरी हैंडराइटिंग खराब हो, लेकिन प्यार के इजहार में शायद मैंने कुछ कमी नहीं छोड़ी। क्या ख्याल है आपका? इसका जवाब मैं नहीं, वाइस चांसलर देंगे। यही खत तुम्हें यूनिवर्सिटी से निकालने के लिए। वो पर्दाफाश करने जा रहे थे इस मोहब्बत का, अचानक मिट गया लिखा हुआ इजहार उल्फत का। आप खामोश क्यों हैं? कुछ बोलिए ना, जब आप बोलती हैं बहुत अच्छी लगती हैं। ईमान से शट अप। ओ दिल भर जानिए तेरे हैं हम तेरे, ओ दिल भर जानिए तेरे हैं हम तेरे। छुपा लेंगे इन आँखों में सनम हम गम तेरे, ओ दिल भर जानिए तेरे हैं हम तेरे। छुपा लेंगे इन आँखों में सनम हम गम तेरे, ओ दिल भर जानिए तेरे हैं हम तेरे।
यूं बात 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 पे तुम रूठा ना करो, दिल तोड़ 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 मजा लूटा ना करो। वो जाने जाना ये तो है रुसवाई प्यार की, इन बातों से बढ़ जाएगी महंगाई प्यार की। ढूंढे नहीं पाओगी तुम बाजार में आशिक, दौड़ेंगे 50-60 की रफ्तार में आशिक। फिर नाम लेके प्यार का तुम गाया करोगी, सर फोड़ के दीवारों से चिल्लाया करोगी। ओ दिल भर जानिए तेरे हैं हम तेरे, छुपा लेंगे इन आँखों में सनम हम गम तेरे। ओ दिल भर सोनिए तेरे हैं हम तेरे। एक दिन तुम्हारे दिल में भी एक आग उठेगी, तूफान उठेगा मोहब्बत जाग उठेगी। हो जाए ऐसा हाल तो कर लेना मुझको याद, सर के बल चल कर आऊंगा सुनकर तेरी फरियाद। दिल से मेरे खेले हो अब तुम सर से भी खेलो, ये दिल जिगर गुर्दा तुम्हारा है तुम ही ले लो। उस्ताद हूँ मजनू का मैं फरहाद का चेला, हर हाल में हारेगा जो दिल से मेरे खेला। ओ दिल भर जानिए तेरे हैं हम तेरे, छुपा लेंगे इन आँखों में सनम हम गम तेरे। ओ दिल भर हीरिए तेरे हैं हम तेरे। बेवफा तूने मुझे कहीं का ना छोड़ा, तू गुस्सा जो करती है कर ले प्यार भी थोड़ा। तेरे बिना जीना मेरा जीना है क्या जीना, तड़पूंगा मैं जब आएगा सावन का महीना। वो हुस्न भी क्या हुस्न है जो इश्क ना जाने, दिलदार को और यार को बिल्कुल ना पहचाने। मेरी वफा एक दिन कुछ ऐसा रंग लाएगी के नाज़नी ज़ालिम हसीना मान जाएगी, हसीना मान जाएगी, हसीना मान जाएगी। ओ दिल भर जानिए तेरे हैं हम तेरे, छुपा लेंगे इन आँखों में सनम हम गम तेरे। ओ दिल भर सोनिए तेरे हैं हम तेरे। हाय शुक्रिया। हाँ क्या हाल है दिलदार का, यानी मेरे यार का? वो लाइब्रेरी में है। बुड कैसा है? पीछे से तो ठीक था, आगे से मालूम नहीं। क्या मतलब? डियर जब से वो चश्मा टूटा है ना, मैं चश्मा लगाकर उसके सामने नहीं जाता। डैडी ने ये 25वां चश्मा दिलवाते हुए कहा था। अगर ये चश्मा टूट गया तो फिर तुझे चश्मा लगाने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि वो आंखें फोड़ देंगे? यस गुरु, वक्त की नजाकत को पहचानो, लपक कर जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि जो बेचते थे दवाई दिल दुकान अपनी बढ़ा गए। मैं चला।
जाओ। Shut up. उनको आता है प्यार पे गुस्सा, हमको गुस्से पे प्यार आता नीचे है। उतरो। जी नहीं। उस दिन का थप्पड़ शायद भूल गए। हाँ हाँ है, वो शायद आपने मुझे ख्वाब में मारा होगा। हद से ज्यादा बेशरम हो। जो भी हूँ जैसा भी हूँ बस आपका हूँ। मुझे तुम्हारी सूरत से नफरत है। बहुत खूब, बुजुर्गों ने कहा है नफरत मोहब्बत की पहली सीढ़ी होती है। तुम इस सीढ़ी पर से उतरोगे या नहीं? हजरत दाव जहाँ बैठ गए बैठ गए। ठोकर से ये हटाई भी जा सकते हैं, ये न सोचा कि मैं तुमसे कमजोर हूँ। मैं अभी साबित कर सकता हूँ कि हुजूर मुझसे हर मामले में कमजोर है। और अगर साबित न कर सके तो? तुम्हें भगवा कपड़े पहनकर भभूति मलकर अलग निरंजन कहता हुआ कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान कर जाऊंगा। यही नहीं, हम सब चले जाएंगे। लेकिन अगर आप हार गई तो आपको हमारी तरफ मुस्कुरा कर देखना पड़ेगा। मंजूर? वाह गुरु, अब आप फिसल का नमूना दिखाइए। बदतमीज, बेशरम, बेगैरत, बेहया। बस 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 बस, बेवफा मत कहिएगा। जरा मुस्कुरा कर तो देखते जाइए सोनियो। गुरु ये नहीं मानेगी। करेक्ट, नॉट करेक्ट। हकीकत प्यार की, जिस दिन वो जालिम जान जाएगी, मेरा दावा है यारों कि हसीना मान जाएगी। क्या नाम है उसका? जी मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं हूँ। कुछ दिन पहले मैंने एडमिशन लिया है। किस ईयर में है वो? जी मैं ये भी नहीं जानती। देखो इनके साथ जाओ, जिसे ये बताएं उसे बुला कर ला। जी हुजूर, चलिए। ये रहा। सुनिए, आपको साहब ने बुलाया है। किस लिए बुलाया? ये वहां चलकर पता चल जाएगा। देखिए आपको इस तरह आंख निकाल कर बात करने का क्या हक है? अभी मालूम हो जाएगा। क्या मालूम हो जाएगा? देखिए आप यहाँ पर बहस न कीजिए, जो कुछ कहना है वहां चलकर कहिए। चलिए। कैसा भीगी बिली बना जा रहा है, अब ये लोग कभी लड़कियों को नहीं छेड़ेगा। कौन छेड़ा था सरकार को? तो वो कौन था? वो कौन? तू? वो? हाँ वो अपना विद्यार्थी कमल होगा। सूरत एक जैसी जरूर है, लेकिन कहाँ वो और कहाँ ये आपका आशिक। मैं तुम्हारे इश्क का भूत अभी उतारती हूँ। पाँव की इज्जत को हाथ में लेने की कोई जरूरत नहीं है। क्या हुआ? सर कुछ नहीं, बेचारी का सैंडल टूट गया था, मुझसे रिक्वेस्ट कर रही थी कि मैं बनवा दूँ। आइए। गुनाह किसी ने किया और सजा किसी को मिली, गलतफहमी में बेचारा मासूम मारा गया। सुनिए अभी कुछ कसर बाकी है क्या? देखिए मेरी बात तो सुनिए, इसमें कसूर मेरा भी नहीं है। तो कसूर मेरा था क्या? जी नहीं, आपकी शक्ल का है। उस लोफर बदमाश से आपकी सूरत बिल्कुल मिलती है। क्या वो आपका जुड़वा भाई है? जी नहीं, वो मेरा कोई नहीं। कोई नहीं, फिर शक्ल एक जैसी क्यों है? ये तो ऊपर वाला ही बता सकता है। आप अभी तक नाराज हैं। देखिए अनजाने में मुझसे गलती हो गई, मैं यहाँ नहीं हूँ। बदतमीजी उसने की और सजा आपको मिली। मैं माफी चाहती हूँ। बड़ी जल्दी आपकी आंखें भर जाती हैं। ये शर्मिंदगी के आंसू हैं। मेरी वजह से 7 दिन के लिए आपकी यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया है। पढ़ाई का नुकसान होगा और बेइज्जती अलग। इसके बदले में जो सजा आप मुझे देना चाहें दे सकते हैं। बस आइंदा ऐसा धोखा नहीं खाइएगा, वरना मैं गरीब मारा जाऊंगा। सुनिए, कहिए। आइए, मैं आपको छोड़ दूंगी। जी शुक्रिया, मुझे पैदल चलने की आदत है। प्लीज आइए, मैं आपको गाड़ी में छोड़ दूंगी। You idiot! जंगली! माफ कीजिए, मैं जरा जल्दी में था, मुशायरे में जाना था। मुझे मालूम न था फराज दरवाजे में अटक जाएगा और फट जाएगा। अरे वाह, क्या शेर हुआ है? नहीं Shut up. ओ, मैं जाऊं? ओ,
समझ गया। आपकी तारीफ है ड्राइवर, लेकिन अपने आप को शायर समझता है। आप चलकर बैठिए, मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। ऐसा कीजिए, अब मुझे जाने दीजिए। ऐसा नहीं होगा, बिना चाय पिए मैं नहीं जाने दूंगी। आइए प्लीज, आइए ना। वही सूरत, वही आंखें, सब कुछ हूबहू वैसे ही है, लेकिन दोनों में कितना फर्क है। ये दिन है तो वो रहा। जी जी, आपने कुछ कहा था? जी हाँ, वो जी नहीं है। नहीं, सुनिए। कहिए। कुछ बात कीजिए। क्या बात करूं? कुछ भी। कुछ कहिए ना। कह तो दिया। क्या? कुछ नहीं। मैं तेरे हुस्न की तारीफ ही करता रहता, तेरी तारीफ के अल्फाज अगर मिल सकते, तेरे रुखसार लबो चश्म कदो कामत को हम किसी चीज से तशबीह नहीं दे सकते। एक बात पूछूं? पूछिए। आपके यहाँ चाय देखी जाती है, पी नहीं जाती क्या? जी मैं समझी नहीं। अपनी प्याली देखिए। मैंने इस तरह पीने को नहीं कहा था। अच्छा मैं चलता हूँ। इतनी जल्दी? मुझे एक जरूरी काम है, फिर मिलेंगे। नमस्ते। किताबें राकेश, तुम्हें कितनी बार कहा विसल बजाना अच्छी आदत नहीं, और फिर ये यूनिवर्सिटी है, मार्केट नहीं। सॉरी सर, सारी दुनिया की शराफत का ठेका इन्होंने ही ले रखा है। सुनिए, कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल अच्छा हूँ। इन 7-8 दिनों में पढ़ाई का काफी नुकसान हुआ होगा। अजी पूछिए मत, जब से आपको देखा है किताब में हर्फ नहीं आपकी सूरत ही दिखाई देती है। बातें बहुत बनाने लगे हैं आप। भाई फादर बिल्कुल हकीकत है। मैंने सोचा था शायद आप घर पे आए। आपने कहा होता या इशारा ही कर दिया होता तो मैं आपके पीछे पीछे रोज सर के बल चल कर आता। अब तो कहने की जरूरत नहीं है ना। आप कहें तो अभी चला चलूं। अभी तो क्लासेस अटेंड करनी है। नहीं, कोई बात नहीं, शाम को यूनिवर्सिटी के बाहर मिलेंगे। मिलिएगा ना, कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा हूँ। गुरु
ख्वाब नहीं हकीकत है, हम लोग सब सुन रहे थे। अगर ऐसी बात है तो फिर मैं जरा सूट वूट पहन कर आता हूँ। हाँ सही धज के आना, आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले। हाँ। नमस्ते आदर जी। तुम्हारे दिन शायद पूरे हो गए, उस दिन बच गए थे लेकिन आज नहीं बचोगे, बदतमीजी की तो यूनिवर्सिटी में नहीं रहोगे। हाँ सुनिए तो वो सब तो ठीक है लेकिन मेरे नाम पर जो दाग आपने लगाया उसे कौन मिटाएगा? जी ओ गॉड, अब क्या होगा? क्या हुआ? मैंने तो उसे आपको समझकर न जाने क्या क्या कह दिया। क्या कह दिया बोलिए ना। मैंने तो शाम को उसे यूनिवर्सिटी के बाहर मिलने का वादा कर लिया है। ठीक है जो वादा किया उसे वफा कर दीजिए। दांत न तोड़ दूंगी उसके, प्लीज शाम को मेरे साथ चलिएगा ना। जो हो। एकदम परफेक्ट, बस एक कसर बाकी। ये कली देख के वो कली खिल उठेगी। अगर बरमला ने पहना सकी गुरु तो लव माला जरूर पहना देगी। बस बस तुम लोग जाओ, कहीं ऐसा ना हो तुम लोग देखकर वो आगे बढ़ जाए। लगता है वो आ गई। चल चल। अरे ये उल्लू की तुम फाकता विद्यार्थी कैसे आ गया इसके साथ? अरे गुरु बाहर निकलोगे कि वहीं डरते रहोगे? हाथ दे। दूंगा कुछ नहीं, पिताजी ने कहा था कभी किसी को कुछ मत देना। अच्छा हाथ मत दे, हाथ ले। हाँ ले लूंगा। ला तुम्हें सुनने में जरूर फर्क हुआ होगा, उसने कहा होगा सूरत मत दिखाना और तुम जलवा दिखाने चले आए। अरे तुम लोगों ने भी तो सुना था। अरे सुना तो हमने भी था लेकिन ये एंटी क्लाइमेक्स कैसे हो गया? कोई बात नहीं कोई बात नहीं, हसीनों की हर अदा को गले से लगाना पड़ता है, कोई बात नहीं। कोई बाग होता, कोई गुलजार होता जहां बैठकर तुम्हारे हुस्न की तारीफ करता, लेकिन मैं तुम्हें यहां ले आया हूं जहां जिंदगी सो रही है। ये वो हैं जो पाप और पुण्य की सरहदों से बहुत आगे बढ़ चुके हैं, ये वो हैं जो प्यार ना कर सके तो नफरत भी नहीं करते। मुझे बचपन से यहां आकर बहुत सुकून मिलता है, जब मैं बहुत खुश होता हूँ तो यहाँ आ जाता हूँ और इन लोगों से अपने दिल का हाल कह देता हूँ। तुम्हें यहाँ डर नहीं लगता? डर? डर तो मुझे जिंदों से लगता है। ये बड़े बड़े शहर मुझे ऐसे लगते हैं जैसे कि बड़े बड़े सागर हों और इनमें रहने वाली बड़ी मछलियां छोटी मछलियां को खा रही हों। लेकिन मुझे यहाँ क्यों लाए हो? इनसे मिलाने। इनसे? हाँ ये जागीरदार साहब, कहते हैं दुनिया इनके नाम से कांपती थी, जिस सड़क से गुजरते थे राहें वीरान हो जाती थी, लोग डर के मारे घरों में छुप जाते थे, सारी जागीर में किसी को इनके सामने बैठने की इजाजत नहीं थी। आज आज सब इनके साथ सो रहे हैं लेकिन ये किसी को कुछ नहीं कह सकते। इन सबको क्या, ये उन्हें भी कुछ नहीं कह सकते। वो कौन है? एक गुल, एक सनोबर। सनोबर इन्हीं रईस की बेटी थी। और गुल? एक गरीब लड़का था। फिर? दोनों में प्यार हो गया। फिर? लेकिन शायद एक गरीब एक अमीर से प्यार नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? ये दुनिया वाले नहीं करने देते। इन दोनों को ही देख लो, गुल को रईस ने खत्म करवा दिया और सनोबर ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली और दोनों इस तरह एक हुए कि फिर कभी जुदा ना हो सके। प्यार का इतना दर्दनाक अंजाम? इसी अंजाम से तो डरता हूं अर्चना, कहीं हम दोनों के दरमियान कोई दीवार ना आ जाए। ऐसा कभी नहीं होगा, हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। ये कदम जो तुम्हारे साथ मंजिल की तरफ पड़े हैं पीछे कभी नहीं हटेंगे। इतने गवाहों के सामने तुम ये बात कह रही हो? मुझे मालूम है। सुनो कल शाम क्लब में मिलना, और हाँ कल से थोड़ी पे एक दिल लगा लिया करना ताकि पहचानने में भूल ना हो। चल।
पेन है? जी नहीं। एक्सक्यूज मी, क्या मैं पेंसिल इस्तेमाल कर सकता हूँ? थैंक यू। हेलो राकेश। राकेश मैं नहीं, तुम हो, मैं कमल हूं। ये झूठ बोलता है, कमल मैं हूं, ये देखो दिल। झूठ मैं नहीं, ये बोल रहा है, कमल मैं हूं, ये देखो दिल। कमल मैं हूं कमल। उफ अर्चना, मेरा यकीन क्यों नहीं करती? मैं ही हूं कमल, तुम्हारा कमल। दिलबर कहते कहते हुआ दीवाना, आँख में मेरी झांक के देखो जाने जाना। कौन तुम्हारा अपना है और कौन से गाना, ओ मेरी जान जरा पहचान, ओ मेरी जान जरा पहचान। दिलबर सुनते सुनते हुई दीवानी, किस मंजिल पे आके रुकी कहानी। बोल मेरे दिल किससे है प्रीत निभानी, फंसी है जान, फंसी है जान, फंसी है जान। हुस्न इश्क का संगम हो जाने दे, आगोश में अपनी जानम खो जाने दे। ये मेल है दिल से दिल का कोई खेल नहीं, दो दिल ना अगर मिल जाए वो मेल नहीं। तेरी आवारा हाय क्या कहना, मुझे लूट लिया दिल तारा हाय क्या कहना। जो प्यार करे ये उसका अंदाज नहीं, परवाने के जलने में आवाज नहीं। तेरी आंखें हैं या जालिम पैमाने हैं, तेरी एक बात में लाखों अफसाने हैं। तू देख वार से मुझको तेरा अपना हूँ, हर रात को तू जो देखे वो सपना हूँ।
पर दिल भर कहते कहते हुआ दीवाना। अरे आत्म मेरी झांक के देखो जाने जाना, कौन तुम्हारा अपना है और कौन बेगाना। हो मेरी जान जरा पहचान, फंसी है जान, फंसी है जान। अर्चना, मैं कमल हूँ, कहाँ जा रही हो? ये कमल नहीं, कीचड़ है। कमल मैं हूँ, इसकी बातों में मत आओ, ये राकेश है। राकेश मैं नहीं हूँ, वो राक्षस तो ये है। मैं तो तुम्हारा कमल हूँ। अगर ये कमल है तो इससे पूछो तुम्हारे साथ कहाँ गया था। कब्रिस्तान। कल नहीं, पहले दिन। कल कब्रिस्तान तो उसके पहले दिन शमशान हो सकता है। शमशान। कमल, मैं हमेशा पहचाने में गलती करती हूँ। कहीं ऐसा ना हो जाए कि शादी मुझसे हो और हनीमून मनाने उसके साथ चली जाओ। अच्छा आप तशरीफ ले जाइए, कल हमारी एनसीसी की आखिरी परेड है, मुझे घर जाके तैयारी करनी। अब कब मिलोगे? इम्तिहान के बाद। इम्तिहान में बहुत दिन बाकी है, अगर तुम नहीं मिलोगे तो ये दिन कैसे कटेंगे? किताबें पढ़ के। बड़े जालिम हो। राकेश। सॉरी सर। कमल बाहर आ। राकेश बाहर आओ। राइफल ऊपर। पांच चक्कर लगाओ। गो। कैडेट्स, हमें इस बात का फख्र है कि हर साल की तरह इस साल का भी बेस्ट कैडेट कमल और अपना यार हर साल की तरह इस साल भी चक्कर लगा रहा है। दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि आपकी ट्रेनिंग खत्म हो चुकी है, मगर आज आप सब पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का बोझ आन पड़ा है। आज आप सब प्रतिज्ञा कीजिए कि वक्त आने पर मुल्क की हिफाजत के लिए अपने खून का आखिरी खतरा तक बहा देंगे। बस मुझे इतना ही कहना है, कल से आपके इम्तिहान शुरू हो रहे हैं, मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। जय हिंद। कमल, 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 मुबारक हो, तुम फर्स्ट क्लास फर्स्ट पास हुए हो। सच? तुम्हारा रिजल्ट क्या रहा? मेरा रिजल्ट ये है। हा? वैसे इम्तिहान मैंने भी फर्स्ट डिवीजन में पास किया है। मुबारक हो। ये क्या मजाक है? कुछ भी कहो, मैं जिंदगी में इतना खुश कभी नहीं हुआ जितना खुश आज हूँ। मैं तुम्हें गले लगाकर मुबारकबाद देना चाहता हूँ। अर्चना, सीने पे मूंग दलना शायद इसी को कहते हैं। गुरु, मेरी मानो तो इस लंबिया के नाम पे पानी चढ़ा दो। पानी मैं नहीं, कमल चढ़ाएगा, आज नहीं तो कल उसे मेरी बाहों में आना पड़ेगा। कमल, क्या सोच रही हो? सोच रहा हूँ कि आज तुम मेरे पास हो लेकिन कल तुम मुझसे दूर हो जाओगी। जो दिल में रहते हैं वो कभी जुदा नहीं होते। कमल, मेरी ये ख्वाहिश है, पूरी करोगे? एक क्या, अगर तुम्हारी हजारों ख्वाहिशें भी हों,
तो अपनी जिंदगी देकर भी पूरी करूंगा। मैं देहरादून जाने से पहले तुम्हारा घर देखना चाहती हूँ। घर? हाँ, और तुम्हारे घर वालों से भी मिलना चाहती हूँ। घर वाले? हाँ कमल, मैंने अपनी माँ को देखा भी नहीं। तुम्हारी माँ को पाकर मुझे ऐसा लगेगा जैसे मुझे अपनी माँ मिल गई। तुम मेरी माँ को देखना चाहती हो? मेरा घर जो तुम्हारा ससुराल होगा उसे परखना चाहती हो ना? आओ। मैं अभी तुम्हारे साथ जाऊंगी, तुम वो सब क्या कहेंगे? कोई कुछ नहीं कहेगा। बड़ी अजीब है मेरी माँ, वो कभी किसी को कुछ नहीं कहती। आओ। परेशान हो गई कमल? यही मेरी माँ है। मैं इस चार दीवारी में कब और कैसे आया मुझे याद नहीं। जब से होश संभाला है ये दीवारें थीं और मैं था। इन्हीं दीवारों ने मुझे पाला है। मैं पढ़ता हूँ, स्कॉलरशिप मिलती है, ट्यूशन करता हूँ, अपना खर्च पूरा करके जो भी कुछ बचता है अपने जैसे दूसरे बदनसीबों में बांट देता हूँ। काश मैं तुमसे तुम्हारे घर के बारे में न पूछती। तुम ना पूछती तो दुनिया पूछती। मैं जानता हूँ एक दिन दुनिया मुझसे जरूर ये सवाल करेगी कि मैं कौन हूँ, मेरे माता पिता कौन थे, मेरी जात क्या है, मेरा धर्म क्या है। लेकिन मैं तो इतना ही जानता हूँ अर्चना कि ये धरती मेरी माँ है, जात मेरी हिंदुस्तानी और इंसानियत मेरा धर्म है। कितने ऊंचे विचार है तुम्हारे। लेकिन इन बातों से दुनिया वालों को तसल्ली नहीं होती, ये सोचकर दिल बैठने लगता है। अगर तुम्हारे पिताजी ने हमारे प्यार को दौलत, धर्म और जात के तराजू में तोला तो वो उसे खोटे सिक्के की तरह उठाकर फेंक देंगे। नहीं कमल, डैडी बहुत ऊंचे विचार के हैं, वो मेरी पसंद को कभी नापसंद नहीं करेंगे। मैं उनसे देहरादून में बात करके तुम्हें लिख दूंगी, तुम चले आना बारात लेकर। अर्चना, जलाओगे तो जला करोगे, यूं ही दस्ते हसरत मला करोगे, करोगे आशिक के दिल को ठंडा तो तुम भी फूला फला करोगे। देवी, कब तक अपने पुजारी को तड़पाओगी, दया करो और दे दो प्यार, हो जाए अपना उद्धार। अगर ना बुझाई दिल की प्यास तो बोलेगा ये तेरा दास। त्रैमाम त्रैमाम त्रैमाम। राकेश, ओ बापरे बेटा। राकेश जी। पिताजी। क्या कर रहे हो बेटा? पिताजी पूजा कर रहा था। पूजा जी? लेकिन मूर्ति कहाँ है? पिताजी आपकी तस्वीर जो है। हा? पिताजी मेरे लिए तो आप ही पिता हैं, आप ही माता हैं, आप ही बंधु हैं, आप ही सखा हैं। तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो, तुम ही हो बंधु, सखा तुम ही हो। जीते रहो बेटा। वाह वाह वाह, जितना सुना था उससे कहीं ज्यादा पाया। पिताजी मैंने आपको नहीं पहचाना। इन्हीं से मिलाने के लिए तो तुम्हें आवाज दे रहा था। ये तुम्हारे अंकल है, पांच हो। जीते रहो बेटा, जीते रहो, तुम तो नौजवानों के लिए एक मिसाल हो। आजकल भगवान की कोई पूजा नहीं करता, और एक तुम हो कि अपने बाप की तस्वीर की पूजा करते हो। वैसे तो हमारे मुल्क के किसी नौजवान के कमरे में जाओ तो वहां लड़कियों की, एक्ट्रेसों की तस्वीरें भरी पड़ी होंगी, न वहां भगवान की मूर्ति होगी और न तस्वीर। अंकल लानत ऐसे नौजवानों पर। मैं तो जी बस इसी तस्वीर को सीने से लगाकर जिंदगी बिता देना चाहता हूँ, इसलिए कि इस तस्वीर के सामने कोई तस्वीर नहीं जचती। वाह वाह बेटे, तुम धन्य हो। जी शुक्रिया। ये बताओ रिसर्च कैसी चल रही? जी कई महीनों से एक पॉइंट पे उलझा हुआ हूँ। कोई बात नहीं बरखुरदार, हिम्मत मर्दा मदद खुदा, जमे रहो, आज नहीं तो कल कामयाबी जरूर तुम्हारे कदम चूमेगी। जी मुझे भी इस बात का पूरा यकीन है। मुझे यकीन है कि तुम इंतहाई नालायक हो। जी मैं? हाँ तुम। गए काम से। वजह? इसलिए कि ये नालायक चचे का भतीजा है। हम दोनों तुम पर हतक इज्जत का दावा कर देंगे।
बिना वजह बताए तुमने हम दोनों को नालायक करार दे दिया। विजय ये है कि तुम मेरी बेटी को साथ नहीं लाए। अरे यार हम देहरादून जा रहे हैं ना, ये वो बेचारी सामान आवान बनवा रही थी, नहीं लाया। कोई बात नहीं, हम चलेंगे अपनी बेटी को देखने के लिए। जरूर जरूर बेटा राकेश, जल्दी तैयार हो। हाँ जी जाता हूँ। अरे यार ऐसा कर, राकेश को तू ले ले और मुझे अर्चना दे दे। अंधे को अंधेरे में बड़ी दूर की सूची, ख्याल बुरा नहीं। तो बात पक्की? बात पक्की हम नहीं करेंगे, अर्चना और राकेश करेंगे। जमाना बदल चुका है मेरी जान। चल यार यही सही। बेटी अर्ची, नमस्ते अंकल। जीती रहो बेटा, पहचाना मुझे? जी। अरे बरखुरदार कहाँ रह गए? अरे कहाँ हो बेटा? जी पिताजी हाजिर हुआ जी। आज मारेंगे बेटा राकेश। तुम इन्हें नहीं जानती बेटी, ये है राकेश। राकेश? राकेश हो या लैला के कैस, ये तो शैतान की तरह मशहूर है। शैतान? शैतान नहीं बेटी, फरिश्ता कहो, फरिश्ता। ये तो बड़ा लायक और काबिल है। काबिल? इनकी काबिलियत के अफसाने तो मशहूर है। मैं झूठ तो नहीं कह रही हूँ राकेश बाबू? जी मैं अपने मुँह से क्या कहूँ। चलो अच्छा हुआ तुम दोनों एक दूसरे को जानते पहचानते हो। बेटी इनको ले जाकर इनकी कुछ खातिर वातिर करो, तब तक हम दोनों बातचीत करते हैं। आओ बैरिस्टर, कुछ सैर सब्जा कर डालें। अपने आगे की घास चल डालें। क्या? आपसे मिलाने की ट्राई मारी थी, उसमें मारा गया। बेवकूफ। आपने सही फरमाया। राकेश बाबू आपने वो कहावत सुनी है, 100 सुनार की 1 लोहार की? जी मैं समझा नहीं। जी मैं अभी समझाई देती हूँ। आप मेरी खूबसूरती पे गीत लिखते थे, मेरे पीछे सीटियां बजाते थे। आज मैं आपके बागपन की तारीफ करूंगी, आपकी शराफत के अफसाने दोहराऊंगी, और अगर जरूरत पड़ी तो आपके पिताजी के सामने आपके कारनामे बयान करूंगी। पिताजी माफ कर दीजिए ना, आपके सेवक। सेवक नहीं, आपका ये आशिक। ए मेरे आशिक, चलिए चलते क्यों नहीं। चलते रहिए। घसीटा राम। क्या टाइम पे बुलाया है, शेर तो पूरा होने दिया होता। आया जी। हम ऐसी सब किताबें काबिले जब्ती समझते हैं कि जिसको पढ़ के लौंडे अपने आप को आशिक समझते हैं। आपका ये घसीटा राम अभी इसको घसीट कर रख देगा। आइए आइए आइए। बैठिए। इस नामुराद कुर्सी पर मत बैठिए। क्यों? बेबी के लिए एक साहब रिश्ता लेकर आए थे, वो इसी मनुष्य कुर्सी पर बैठे थे। साहब ने गिनकर 50 जूते मारने को कहा। साल भर से ऊपर हो गया, अभी तक गंजे घूम रहे हैं। आप उस तरफ आइए। ये कुर्सी मनुष्य नंबर तो है, देखती नहीं, बिल्कुल सामने वाली है। इस पर तो जो बैठा हमेशा के लिए लेट गया। तुम बेवकूफ तो नहीं बना रहे? आपको भी बनाने की जरूरत है। ऐसा करिए कि आप इस कुर्सी पर आइए। तुम्हारे गुनाहों का बोझ कुर्सी भी नहीं उठा सकी। माफ कीजिए, मैं कुर्सी जमा ही रहा था कि आप बैठ गए। आप बैठिए। जनाब की खातिर की जाए। जो हुकुम,
हाँ तो भीगा कर लाऊंगा या सूखे ही नोश फरमाइएगा। क्या चीज? जो भी आपको पसंद हो, हर साइज के मौजूद है, छोटे बड़े। कौन से खाइएगा? कलमी आम, दशहरी, सिंदूरिया, लंगड़ा? आम मैं नहीं खाता। तो फिर कोई खास चीज? तो मेरा मतलब है ठंडा गर्म। ऐसी हालत में तो ठंडा ही ठीक है। तो फिर ठंडा ही लाता हूँ। हटवे साहब को ठंडा खिलाना। जल्दी घुल मिल गए हैं। बस बात पक्की ही समझो, मैं देहरादून जाकर अर्चना से पूछकर लिख दूंगा। अरे यार लिखना विखना क्या, तारीख पक्की करके लिख देना कि बारात कब लेकर आ जाऊं। अच्छा हाँ तुम जा कब रहे हो? आज रात को कार से। तो फिर बात पक्की? पक्की। आओ बेटी। क्यों भाई सब मजे में? जी हुजूर। बेबी तुम चंगा है? चंगा है। अबे ओ गुलदस्ते सामान उठा। आदतन गुस्ताख इस बंदे नापाक को घसीटा राम आशिक कहते हैं। कहते होंगे पर यहाँ क्यों गुस्सा आ रहे हैं? मैं अपना दर समझकर तेरे दर में घुस गया जालिम, कि अपना दर समझकर मेरे दर में तू भी कुछ जाना आदम से किसी कहीं। ये तेरा ढक्कन उठाकर मारना मक्खन मुझे, चांद सा मुखड़ा आशिक का तूने चिकना कर दिया, मगर हे कुड़िये तुम हो कौन? अभी बताती हूँ। ये अच्छा किया बताया मुझे,
जमाया उसे। बिन मांगे जूता मिले, मांगे मिले ना भीख, दूर से तो नहीं पड़ा। ये मुझे छेड़े था बापू। क्या बापू, तो क्या ये कुड़ी आपकी बेटी है? और नहीं तो क्या तेरे बाप की बेटी है? मेरे बाप की बेटी? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कह के मेरा दिल मत दुखाओ, रिश्तेदारी में लफड़ा हो जाएगा। ये ड्राइवर दे पुत्तर, कभी हमारी कुड़ी की तरफ नजर उठा के न देखी, साड़ा पंजाब दा खून है, गोली मार देंगे। मैं समझ गया, मुझ मक्खन खा जाएगी। बापू जान दे छोड़ के, बापू अब नहीं करेगा ये। ए, अब तो नहीं करोगे ना? अरे बिल्कुल नहीं करूंगा, मेरे बाप की तो बात। क्या हुआ? एक मोटे ने ताकत का सहारा लेकर तुमने आशिक की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। आज मजाक उड़ाया है, कल बंदूक से उड़ा देगा। जान प्यारी है तो चौकीदार की छोकरी के चक्कर में ना पड़ो। मगर ये पटाखा अब तक था कहाँ? चौकीदार की बहन के यहाँ दिल्ली में। चार जवानन की ठुकाई कर चुका है, चारों में आशिक एक भी नहीं होगा। आशिक तो पांचवा टकराया है। अगर इस मोटे को घसीटा नहीं ना, तो मेरा नाम घसीटा राम, आशिक नहीं। अच्छा चलो चलो, दवाई रख रहे हैं। दवाई? अरे हाँ हाँ हाँ, पकड़ो भाई पकड़ो। नमस्ते मैम साहब, कैसी हो लाली? अच्छी हूँ जी। लाली इधर आओ जी, ये खत चुपके से ले जाकर घसीटी राम को दे दो और कहना डाखाने में डाला है जी। सुनो लाली जी, कभी किसी के नाम पर तुम्हारा दिल धड़कता है? नहीं मैम साहब। तब तो तुम्हारी चौथाई जिंदगी बेकार है। अच्छा ये तो बताओ, कोई तुम्हारी खाबों में आता है? खाबों में? मैम साहब मैं तो खाबी नहीं देखती हूँ। तब तो आधी जिंदगी बेकार है। कभी किसी से मोहब्बत की है या नहीं? मोहब्बत क्या होती है मैम साहब? बिल्कुल बुद्धू हो, तुम्हारी पूरी जिंदगी बेकार है, जाओ। मैम साहब मैं एक बात पूछूं क्या? पूछो। आपने किसी से मोहब्बत की है? हाँ। फिर तो आपकी सारी जिंदगी बेकार है। क्या कहा? अरे नहीं है। क्या स्टाइल है वो? क्या जी? वो मैं ये कह रहा था कि तेरी जुल्फ क्या है, रात का साया है, तू अगर सर को मुंडा दे तो सवेरा हो जाए। क्या बकता है जी? वो मैं कहना तो ठीक ही था, लेकिन कुछ उल्टा हो गया है। बात असल ये है कि जब से तुम्हें देखा है, हर सीधी बात उल्टी कर रहा हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। क्या करता है, शर्म नहीं आती है? मेरे पांव छुए हैं। तो क्या माफी मांगने के लिए कुछ और छूना चाहिए? मुझे नहीं मालूम है, दीदी ने यह खत दिया है, बोला है डाकखाने में डाला। तुम ऐसा खत मुझे कब लिखोगी? ओहो, अरे छोड़ता है नहीं तो। छोड़ूंगा कैसे, यही वो वक्त है, आशिक पना हो जाए इसी पर, तू कैसी मौत नालायक मिलेगी फिर कहां तुझको। अरे वाह क्या शुरू है, बड़े देखे मरने वाले। अरे हंसी के फंसी, हंसी, अरे हंसी मन, सुनो तो जाने मन, मेरी लैला, 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 ले 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 ले। ओए मजनू दियो लाख होते दे पुत्र, की सियापा पा रहा था? उसे रोक कर बात करने जा रहा था। लेकिन तू कौन होता है मेरी कुड़ी से बात करने वाला? होता तो कुछ नहीं हूँ, लेकिन होना चाहता हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि बोल दूँ? बोल। मारोगे तो नहीं? अकवास बंद, बोल जल्दी। जी मैं ये कहना चाहता था कि आप मुझे अपना दामाद बना लीजिए। अबे मैं जिंदगी भर अपनी बेटी को किसी गधे के साथ नहीं रखना चाहता, समझा? इसीलिए तो कहता हूँ मेरा साथ कर दो, अपने साथ मत रखो। क्या कहा? आ, 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 मैं जबान से काम ले रहा हूँ, आप हाथ से काम ले रहे हैं। अबे अभी तो जबान से बोल रहा हूँ, जरूरत पड़ी तो बंदूक से भी काम लूंगा, समझा? समझ गया, शेखी बगाड़ता है। अब ए मोटे, मैं तेरी शेखी को भुला दूंगा, मार कर जूता पे एक खोपड़ी को उड़ा दूंगा। क्या कहा? कुछ नहीं। कमल बाबू जी, मेहता जी ये आपका खत।
धन्यवाद। कमल, जिंदगी की हर रंगीनियां ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे पास छोड़कर चली आई हूँ। वही घर है, वही माहौल, मसूरी और देहरादून के वही हसीन नज़ारे हैं, लेकिन न जाने क्यों ऐसा लगता है जैसे सब बेजान हो गए हैं। उठ गए जो कदम बेखुदी में सनम, उठ गए जो कदम आ गए सनम, उठ गए जो कदम। जितनी बुझाई उतनी जली है, नजर थी सोए नजारे, देखा तुम्हें को जागे ये सारे, दिल ने किए जो दिल को इशारे, मिलके चले हम साथ तुम्हारे। आज खुशी से मेरा दिल ये पुकारे, तेरा दामन मिला प्यार मेरा खिला।
सनम उठ गए जो कदम। प्यार के राही आए यहाँ तक, दिल में अरमानी लाख तूफानी आ गए आ गए आ गए पास हम आ गए पास हम। बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम, बेखुदी सनम उठ गए जो कदम, बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम। तुम्हारे कदम गलत रास्ते पर उठ रहे हैं। मैं हरगिज हरगिज ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम उसे अपना जीवन साथी बनाने के बारे में सोचो। मैं सोचने की हद से बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ डैडी। मैं फैसला कर चुकी हूँ कि शादी मैं कमल के साथ ही करूंगी। ये कभी नहीं होगा। मेरे जीते जी मखमल में टाट का पैबंद नहीं लग सकता। मैं उसके हाथ में तुम्हारा हाथ नहीं दे सकता जिसके माँ बाप खानदान जात और धर्म का पता ना। कमल का धर्म इंसानियत है, खानदान शराफत है और माँ बाप भगवान है। ऐसे आदमी को दुनिया वाले गुमनाम और लावारिस कहते हैं। मैं इस हवेली में दामाद ला सकता हूँ, अनाथ आश्रम नहीं खोल सकता। एक तरफ मैं हूँ, खानदान की इज्जत और वकार है, दूसरी तरफ तुम और तुम्हारा प्यार, जिसे चाहो अपना लो, जिसे चाहो ठुकरा दो। न मैं आपको छोड़ सकती हूँ न उसे भूल सकती हूँ। अगर आपको खानदान की इज्जत से इतना प्यार है तो अब जबान पर कमल का नाम कभी नहीं आएगा। लेकिन मैं किसी और के बारे में सोचना भी पाप समझती हूँ। अर्चना, आखिर राकेश में बुराई क्या है? इसमें अच्छाई क्या है? बहुत कुछ है। कुछ भी नहीं। मैं रणधीर से वादा कर चुका हूँ कि तुम्हारी शादी राकेश के साथ होगी। जो लड़कियों को लोफरों की तरह सारे बाजार छेड़े, उनकी बेइज्जती करे, उससे शादी करना तो दूर रहा। मैं उस पर थूकना भी पसंद नहीं करूंगी। जानबूझकर मैं जहर पीने के लिए तैयार नहीं हूँ। सुनो अर्चना, बेवकूफ, मालिक, दो दिन हो गए बेबी ने खाना नहीं खाया और ना आप ही ने कुछ खाया। समझा? जी अच्छा। सिद्धि, बाप से बिगड़कर माँ का सहारा लेती हो जैसे मैं तुम्हारा दुश्मन। मैंने ऐसा कब कहा? फिर माँ की तस्वीर से लिपटकर रोने की क्या जरूरत? इसलिए कि माँ ही औलाद के दुख को समझ सकती है। हाँ, बाप तो पत्थर होता है ना। 2 साल की थी जब ये तुम्हें रोता बिलकता छोड़कर चली गई। वो यही पत्थर था जिसने तुम्हें अपने सीने से लगाकर पाला, रातों की नींदें हराम की। माँ बाप औलाद के लिए जो कुछ करते हैं एहसान नहीं करते, अपना फर्ज पूरा करते हैं। और औलाद का कोई फर्ज नहीं होता बेटी। राम ने दशरथ के साथ जो किया वो फर्ज था या एहसान? श्रवण कुमार को तुम बेवकूफ कहोगी जो जिंदगी भर अपने माँ बाप को कंधे पर लादे घूमता रहा? बोलो, चुप क्यों? मैंने तुम्हारी शादी की बात की और तुम मुझे जवाब देकर चली आई। मैं कसम खाकर कहता हूं मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, मैं खुद को हमेशा के लिए तुम्हारे रास्ते से हटा दूं। डैडी, मुझे माफ कर दीजिए, आप जहां कहेंगे मैं शादी करने के लिए तैयार हूं। जीती रहो बेटी,
तुमने बाप की इज्जत रख ली। औलाद को शादी अपने माँ बाप की मर्जी से ही करनी चाहिए। अब हम अपनी बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से करेंगे, कमल के साथ। हाँ हाँ, कमल के साथ ही होगी। तुमने हमारी जिद रखी, हम अपनी बेटी की जिद रखेंगे। बुला लो राकेश। हाँ। गजब हो गया, कमल अर्चना से शादी कर रहा है। शका, कमाल है, शादी कमल कर रहा है और धुलाई मेरी कर दी। बकवास बंद करो। मेरे जीते जी अर्चना कमल की नहीं हो सकती। मगर गुरु अब हो ही क्या सकता है? बहुत कुछ हो सकता है। तुम दोनों मेरे साथ चलो, हम लोग रात को अनाथ आश्रम से कमल को बेहोश करके उठा लाएंगे। उसे तुम्हारे कमरे में बंद रखेंगे, तुम दोनों उसकी निगरानी करना और फिर मैं कमल बनकर अर्चना के पास देहरादून जाऊंगा और फिर उससे शादी करूंगा। डियर कमल, ये फिजिकल एक्सरसाइज करने की कोई जरूरत नहीं। आज राकेश और अर्चना की शादी हो रही होगी, उनकी सुहागरात हो जाए तो तुम्हें हम मान सम्मान से यहाँ से दफा कर देंगे। अगर तुम कहोगे तो जिस अनाथ आश्रम से उठा के लाए थे वहाँ वापस फेंक देंगे। मुन्ना, कमल तो कोमल होता है, लेकिन तुम ये झटके पे झटका क्यों खा रहे हो? चुपचाप खड़े रहो, मरना मारे पहले इनके, तुम्हारे कमल के सारे कमल झाड़ दूंगा। होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, यू डोंट वरी, मैं इसको ठीक करता हूँ। क्यों बे कमल के बच्चे, एनसीसी में तो बेस्ट कैडेट था ना, फिर भी यहाँ अटेंशन पोजीशन में खड़ा नहीं हुआ जाता। अटेंशन, रात हो गई। कहाँ हो गई रात? चश्मा तो लगाओ सूरदास, तब तो नजर आएगा। अरे हाँ, ये तो बहुत रात हो गई। क्यों बे कमल? सुन, अब तो अपने यार ने सुहागरात भी मना ली होगी ना। इतने दूर से अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ अब तक अपने यार के दिल की मुराद पूरी हो गई होगी। अब इसके दिल की मुराद भी पूरी कर दो। क्या? हाँ, छोड़ दो इसे, अब तो ये गधा है, घर का रहा ना घाट का। क्या कमल बापू, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? बोलो 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 मेरे लाल। बोलो के बच्चे कमीने जलील, जी चाहता है तुम्हें गोली मार दूं। कमल के बच्चे क्या बोलता है? कमल, मैं राकेश हूँ। राकेश, राकेश छोड़ो मुझे। ये क्या हो गया राकेश? माफ कर दो राकेश, लेकिन ये सब कुछ कैसे हुआ? कैसे? कमल को पकड़ने के लिए हम तीन अनाथ आश्रम गए। मैं उसके कमरे में घुसा। जब मैं बाहर निकला तो आप लोगों ने मुझे ही कमल समझ कर क्लोरोफॉर्म सुंघा दिया। तो फिर कमल कहाँ गया? कमल कमरे में था ही नहीं। तो अब क्या हो सकता है? अर्चना तो हमेशा के लिए कमल की हो गई। मगर घर चुप, मेरा चश्मा। मैं कब से गाना गा रहा हूँ तेरे इंतजार का, मैं कब से आ गई आ गई आ गई। सलामे मोहब्बत कबूल हो। ए, ये टुकड़े टुकड़े क्या घूम रहे हैं?
परमात्मा की लीला। जी चाहता है कि यही लीला देखते देखते हरिओम हो जाऊं। अगर मेरे बापू ने यहाँ देख लिया ना मेरे साथ, तो ये इच्छा अब भी पूरी हो जाएगी। किस मनहूस का नाम ले लिया, अगर वो तुम्हारा बापू नहीं होता ना, इतने जूते मारता उस उल्लू के बच्चे को मुर्गा बना देता। अरे मेरे बापू ऐसा कहते, तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे वो मेरा भी बापू होता तो भी यही कहता, दो दिलों को वो मोटा मिलने ही नहीं देता, आशाओं की कलियों को खिलने ही नहीं देता, कबाब में हड्डी बना हुआ है। बाल्टी भर गई है। भर गई है तो अभी खाली कर देता हूँ। अरे अरे, अरे अरे, ये क्या मजाक है, पानी भर लेने दो ना जी। एक शर्त पर। कैसी शर्त? कब मिलोगी? क्यों मिलना चाहती हो? ये भी कोई बताने की बात है, समझ जाओ ना। मैं कुछ नहीं समझती। नहीं समझती तो फिर पानी भी नहीं मिलेगा और वो मोटा रात भर भूखा मरेगा। आज मैं कफन सर से बांध कर आया हूँ। क्यों सताते हो जी, मैं दिन में नहीं मिल सकती, बापू देख लेंगे ना। तो दिन में ना सही, रात में सही। रात में? हाँ, जब तुम्हारा बापू पहरे पे जाएगा ना, तो उसके जाने के लिए दरवाजा खोल देना, मेरे आने के लिए खिड़की, वो दरवाजे से बाहर, मैं खिड़की से अंदर। आप पुत्र, फिर बनाता हूँ तुझे बंदर। क्या चाल है उल्लू के पट्टे की। तेरा जाना मेरा जाना से मिल जाना, दफा हो जा बे मोटे, सुबह तक तू नहीं आना। आधा वर्षे चुप, मैं सब समझता हूँ। अब हाँ दे उस उल्लू के पट्टे को, देखता हूँ वो मेरी इज्जत का जुलूस निकालता है या मैं उसकी अर्थी उठाता हूँ। पैरां दे चल के आऊंगा तो कंधियां दे लग के जाऊंगा। लेकिन बापू मैं हाथ जोड़ती हूँ। अब उसके पैर जोड़ना मेरे तोड़ने के बाद। बापू चुप। बापू जा उठते खड़ी हो जा और खबरदार जो हलक से आवाज निकाली, समझे, चुपचाप खड़ी रहना। हाँ बदमाश घसीटे रामदेव पुत्र। आप बेटा अब चुपचाप रहियो, हलक से आवाज न निकले। माशूक का बाप जिंदा हो तो आशिक को बड़ी तकलीफ होती है, खुदा करे कि हसीनों के बाप मर जाएं, यतीम हो तो वो आसानी से हाथ लग जाएं। उठो जाने आशिक, जाने आशिक, कुछ अपनी कहो, कुछ मेरी सुनो। क्या दिल का लगाना भूल गई, ऐसी भी क्या सोने की जल्दी के मिलना मिलाना भूल गई। जाने आशिक कुछ तो बोलो, अरे मुखड़ा तो खोलो। काटती है, काटती है। कौन है बे? अरे तुम इधर तो फिर ये बाल्टी कौन है? समझ गया बेवफा, मुझे देर में बुलाया, इसे पहले बुलाया। तुम समझने की कोशिश कर। मैं सब समझता हूँ, एक मियान में दो तलवार नहीं रह सकती। मैं इस रतीबे रूसिया को गाजर मूली की तरह चढ़ा जाऊंगा, मैं इसका सुरमा बना दूंगा। तुम चुप रहो जी, उठ बे, मरने के लिए तैयार हो जा। मैं सोते हुए पर हाथ नहीं उठाया करता। उठ खड़ा हो जाओ। चले जाऊं यार। कहां जाऊं? जहन्नुम में। नहीं जाऊंगा, वहां बहुत गर्मी है। मगर ये तुम्हारी सुरीली फियाट कार की पीपी ट्रक का पोपो कैसे हो गई? मैं बताता हूँ। बिल्कुल हम चिकल मालूम होता, आप इसके बाप के जुड़वा भाई है, मेरा मतलब है चचा बचा। चचा नहीं, इसका बाप। बाप? लेकिन एक लड़की के दो बाप कैसे हो सकते हैं? एक बाप को तो मैंने इस दरवाजे से जाते हुए बाहर देखा। लेकिन इस खिड़की से अंदर आते नहीं देखा। तो क्या आप इस खिड़की से पीछे लाए? हाँ। तो फिर मैं इसी खिड़की से मुंह काला करता हूँ। काला बाप निकलना, पहले मैं इसे नीला करता हूँ। Ah!
वो खेल नहीं है जिसे बच्चे खेले, कपड़े फट जाते हैं ससुरे से लड़ते लड़ते, आप गल जाओ। नजर ना लगे, आइए आइए तशरीफ लाइए। मैं तशरीफ ला नहीं रही हूँ, तशरीफ ले जा रही हूँ। कहाँ? मिसेस वर्मा के यहाँ। मिसेस वर्मा के यहाँ? लेकिन तुमने मुझे पहले ही नहीं बताया। खैर चलो। ना ना ना, आपको चलने के लिए किसने कहा है? वहाँ सिर्फ लेडीज पार्टी है। लेडीज? तो फिर मर्द क्या करें? आराम। इतनी हसीन रात में आराम? आपका प्रोग्राम कैंसिल। इम्पॉसिबल, मैं वादा कर चुकी हूँ। वादे तो आप मुझसे भी बहुत सारे कर चुकी हैं। अभी कल ही तो कह रही थी कि हर जन्म में साथ आएंगे साथ जाएंगे, अभी 24 घंटे भी नहीं हुए मुझे अकेला छोड़ के जा रही हो। आप भी जाओ। मुझे देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। नहीं, तुम नहीं जा सकती। जहाँ चलेंगे साथ चलेंगे, समझे? जी नहीं, मैं अकेली जा रही हूँ। चले थे साथ मिलके, चलेंगे साथ मिलकर, चले थे साथ मिलके, चलेंगे साथ मिलकर। तुम्हें रुकना पड़ेगा मेरी आवाज सुनकर, चले थे साथ मिलके, चलेंगे साथ मिलकर। तुम्हें रुकना पड़ेगा मेरी आवाज सुनकर, चले थे साथ मिलके। चले थे साथ मिलके, बड़ा प्यासा है ये दिल इसे मदहोश कर दो, भड़क उठे हैं शोले इन्हें खामोश कर दो, हमारा होश ले लो हमें बेहोश कर दो। चले थे साथ मिलके, चलेंगे साथ मिलकर। तुम्हें रुकना पड़ेगा मेरी आवाज सुनकर, चले थे साथ मिलके। प्लीज प्लीज प्लीज। नहीं नहीं नहीं। हाँ हाँ। ओ कम।
इधर देखो कमल, वो सामने जो पहाड़ी है ना, उसको राइडर्स पीक कहते हैं। जो सवार वहां तक जाकर आधे घंटे में वापस आ जाए वो एक्सपर्ट राइडर माना जाता है। आधे घंटे में? मैं 20 मिनट में वहां जाकर वापस आ सकता हूँ। इम्पॉसिबल। शर्त लगाओ। कितने रुपए की? रुपए की नहीं, फिर मंजूर है? मंजूर है। ओके। आप तो 19 मिनट में आ गए। लाओ मेरी शर्त। उधार रही। डैडी, ये अचानक कहाँ की तैयारी है? बेटी, तो थोड़ी देर पहले एक टेलीग्राम आया है, मैं कंपनी के काम से दिल्ली जा रहा हूँ। कितने दिन लगेंगे? कहा नहीं जा सकता, हो सकता है वहां से मुझे लंदन जाना पड़े। और फिर तुम जवानों के बीच में इस बुड्ढे का क्या काम? हाँ बेटी, मैं चौकीदार को अपने साथ लिए जा रहा हूँ, वहां से तुम्हारा सारा सामान उसके हाथ भेज दूंगा। जीतने वाला तुम्हारे शहर में कोई नहीं होगा, मैं दाहिने हाथ से खेलूं तो भी तुमसे जीत सकता हूं। तुम नहीं जीत सकते। ये अदा, शर्त लगाओ। कैसी शर्त? जीतने वाला जो कहेगा हारने वाले को करना पड़ेगा। ओके, रेडी? ऑलवेज रेडी। नहीं नहीं, बाय में नहीं, दाहिने पकड़ो। जो भी उदास हो? देखो, मैंने अपनी माँ को कभी नहीं देखा। अगर मुझे किसी ने पाला है तो इस धरती ने। आज मेरी इस माँ की तरफ दुश्मनों के नापाक कदम बढ़ रहे हैं। वो उसे गुलामी की जंजीर पहनाना चाहते हैं। मैं उस जंजीर को तोड़कर उनके मुंह पर मारना चाहता हूँ। भगवान आपको कामयाब करे। अपने आंसुओं को पलकों में रोक दो अर्चना, मुझे मुस्कुराकर विदा करो।
इन हसीन आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। अब मुस्कुराता हूं। देखो तुम पर मेरी वो शर्त बाकी है ना? हाँ? तो हंस दो, हंस दो। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग तुम? गुड मॉर्निंग सर। तुम? समझ गया तुम राकेश हो, मगर देखो ये विस्लिंग यहां नहीं चलेगी। मुबारक हो कमल, सुनता हूं अर्चना से तुम्हारी शादी हो गई। थैंक यू सर। गॉड ब्लेस यू। सर सभी चकरा जाते हैं, ये दोनों मेरे स्टूडेंट्स थे। इतने दिनों के बाद देखने पे मैं भी नहीं पहचान पाया कि कौन कौन है। कमाल है, तुम दोनों इकट्ठे आए हो? जी नहीं, मैं तो अकेले आया था, लेकिन ये हैं जो जिंदगी के हर मोड़ पर आकर टकरा जाते हैं। आवारा मौजों की तरह टकराने की आदत आपको है, मुझे नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। राकेश। सॉरी सर। कमल तुमने रिपोर्ट कर दिया? जी नहीं। अच्छा जाओ रिपोर्ट करो, कल से तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू होगी। राइट सर। आ गया, आ गया। ऊंची ऊंची दुनिया की दीवारें लैला तोड़ के, अरे मैं आ गया तेरे बाबा को रब छोड़ के। पला तेरा ध्यान किधर है? अरे चावल को उधर छोड़, मुखड़े को इधर मोड़। क्यों चिल्लाते हो जी? अरे मेरी बुलबुल, मेरी जल तरंग, मेरी ढोलकी, चल आज बज जाने दे प्यार के तीन ताल। मुझे कार छोड़ते हुए डर लगता है। अब डर किस बात का? अब डरने की कोई बात नहीं, वो मोटा गेंडा चला गया, वो मोटा मोटा चला गया। जहाज आया नहीं कि ये गया नहीं। चलो कार तैयार है जाने आशिक। कार? तुम मुझे कार पे बिठाओगे? अरे कार भी तैयार है, दिलदार भी तैयार है, अब तो मामला इस पार है या उस पार है। चलो। अच्छा मैं तैयार हूँ। जल्दी तैयार हो, जब तक मैं चावल चुन लेता हूँ। चावल? अरे मुझे भी तो तैयार होना है। ये क्या कर रहे हो? दिल बेकाबू हो रहा है जाने आशीष। दिल बेकाबू हो रहा है तो काबू में रखो, मुझे नजारे देखने दो। मेरे होते हुए नजारे देखने की क्या जरूरत है? तुम तो खुश नसीब हो कि तुमको मुझ जैसा खूबसूरत नौजवान बेमिसाल आशिक मिला है, और सोने पर सुहागा ये कि वो शायर भी है। भाड़ में गई तुम्हारी शायरी, पांच मिनट में दिमाग चाट लिया है। जिंदगी भर साथ रहना पड़ जाए तो पागल हो जाऊं। मोटर रोको। क्यों? अरे मैं कहती हूँ मोटर रोको। रुक गई। अब तुम जाओ। कहाँ? पागलखाने। पागलखाने? क्यों? अपने पेजे का इलाज कराओ तुम, और मुझसे अब तुम कभी नहीं मिलना, समझे? मारे गए तो क्या मैं इस दुनिया से कुआ रह जाऊंगा? जाने आशिक मेरे महबूब। मेरे महबूब मुझको तू इतना बता, मेरे महबूब मुझको तू इतना बता, मैं कंवारा मरूंगा या शादीशुदा, मैं कंवारा मरूंगा या शादीशुदा। Thank you.
तुम औरत जात हो जालिम, तुम्हारी जात में चक्कर। तुम औरत जात हो जालिम, तुम्हारी जात में चक्कर। तुम्हारे दिन में चक्कर है, तुम्हारी रात में चक्कर। वो चक्रम हूँ के खाता हूँ तेरी हर बात में चक्कर। कभी जज्बात चक्कर में, कभी जज्बात में चक्कर। इन तेरे चक्करों से बचाए खुदा, ओ इन तेरे चक्करों से बचाए खुदा। मैं गवारा मरूंगा या शादीशुदा, मैं गवारा मरूंगा या शादीशुदा। चली आओगी तुम खिंच कर, मैं ऐसा हाल कर दूंगा। चली आओगी तुम खिंच कर, मैं ऐसा हाल कर दूंगा। तेरे मैके को जोरे इश्क से ससुराल कर दूंगा। अगर बन जाओगी मेरी तो माला माल कर दूंगा। अगर ठुकराओगी तो बेवफा कंगाल कर दूंगा। हाँ हाँ कंगाल कर दूंगा। तेरी किस्मत का आंचल फाड़ कर रुमाल कर दूंगा। तेरी किस्मत का आंचल फाड़ कर रुमाल कर दूंगा। तेरे बंगले को देकर बद्दुआ मैं चाल कर दूंगा। हाँ 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 चाल कर दूंगा। तेरे कूचे में कूचे में आगे क्या था भला। अरे हाँ तेरे कुचे में पैदा इस तरह भूचाल कर दूंगा कि देहरादून को मैं वादिये गढ़वाल कर दूंगा। अजी गढ़वाल कर दूंगा। तेरे बाबा पे अपना जोर इस्तेमाल कर दूंगा। तमाचा एक तमाचा दो, तमाचे मार कर मैं खाल उसके लाल कर दूंगा। मैं एकदम तैश खा कर जिंदगी पामाल कर दूंगा। लगाऊंगा मैं जो ठोकर उसे फुटबॉल कर दूंगा, उसे फुटबॉल कर दूंगा। अगर कुछ भी ना कर पाया तो इतना याद रख जालिम, तेरे बाबा की बाबा की बाबा की आ, तेरे बाबा की महफिल मैं भूख हड़ताल कर दूंगा, भूख हड़ताल कर दूंगा, भूख हड़ताल कर दूंगा। लेकिन छोटी सी एक अर्ज है कि चोरी चोरी खिला देना हलवा जरा, ओ चोरी चोरी खिला देना हलवा जरा। मैं कंवारा मरूंगा या शादीशुदा, मैं कंवारा मरूंगा मरूंगा मरूंगा। मरेगा और जरूर मरेगा, ऐसा मारूंगा कि पानी नहीं मांगेगा। वो बेशरम खैर कहाँ भागता है। ये तो अच्छा हुआ जहाज में जगह नहीं मिली, मैं वापस आ गया, नहीं तो नहीं तो आज तो मेरी इज्जत का जुलूस निकाल देता। नहीं 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 नहीं, नहीं होने वाले फादर अल्लाह, मेरा ये आइडिया नहीं था। मैं आपकी इज्जत का जुलूस नहीं, अपनी शादी का जुलूस निकालने वाला था। लेकिन अब तेरी अर्थी का जुलूस निकलेगा, मरने के लिए तैयार हो जा। होता हूं, होता हूं मगर। नमस्ते कमल बाबू। मर गया, मुझे माफ कर दीजिए। नहीं करूंगा। तो फिर खींच लो। क्या ससुर जी, तुम्हारे पास ताकत ज्यादा है तो मेरे पास अकल ज्यादा है। अब तुम्हारे पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं, मेरी शादी खाना आबादी या तुम्हारी बर्बादी। बापू बापू, हाँ बोल देना बापू, इनका गुस्सा बहुत खराब है। खराब है तो हुआ करे, अरे इस बंदूक में गोली नहीं है। बंदूक बिना गोली तो फैला दी मैंने झोली। अरे वाह, कैसे रुआ है नहीं। बापू अगर तू माफ नहीं करेगा ना तो फिर मैं जहर खा के मर जाऊंगा। हाँ। मैं शादी ठीक है, इसी से शादी कर, जिंदगी भर रोएगी इस घसीटे के साथ। नो नो फादर इल्ला, जिंदगी भर हंसेगी। आप खाली शादी का बैंड बजाने की परमिशन दे दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। तुम भी झुक जाओ।
राकेश वाह क्या शबाब है जालिम पर। राकेश किसी की बीवी के बारे में ऐसा कहते तुम्हें शर्म नहीं आती? बीवी तुम्हारी हो सकती है लेकिन आज भी मेरी अम्मा शुका है। कमीने जलील मुझे इसी दिन का इंतजार था। आज तू यहां से जिंदा वापस नहीं जाएगा। मैं तुझे मारकर इस दरिया में भाग दूंगा और फिर अर्चना का पति बनकर मैं उसके पास जाऊंगा। इससे पहले तू इस दुनिया में नहीं रहेगा। कौन है अंदर?
सरकार। कौन है? ये क्या हालत बना रखी है आपने? हाय राम, ये खून कैसा? कुछ नहीं, जरा सी चोट लग गई थी। ये फटे फटे कपड़े, ये उतरा हुआ चेहरा, क्या बात है? कुछ भी तो नहीं। आप इस तरह वहां से क्यों चले आए? मैं फौज में भर्ती नहीं हुआ था। क्यों? मैं तुमसे अलग नहीं रह सकता, तुम्हारी याद बहुत आती थी। सच? अब तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे ना? कभी नहीं जाऊंगा, कभी नहीं। आप ऊपर जाकर कपड़े बदलिए, मैं आपके लिए खाना तैयार कराती हूँ। ऊपर? अच्छा। शंकर, ओ शंकर। आया बीबी जी। जरा चक्कर से आ गया था। अच्छा, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। नहीं, तुम्हारे होते हुए डॉक्टर की क्या जरूरत है? तुम मेरे हर मर्ज की दवा हो। तुम्हारे पास आ गया हूं, अब बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। उठो, देखो कितनी सुबह हो गई। अब तो सोने दो ना। देखो कोई दरवाजा खटखटा रहा है। अपने आप बोर होकर चला जाएगा। शायद तुम्हारी सहेलियां हैं। उनसे कह दीजिए मैं सो रही हूँ। कुछ नहीं, जरा तबीयत खराब हो गई थी। सॉरी जीजाजी, मुझे मालूम नहीं था कि रंग से आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। कोई बात नहीं, आइए आप लोग ड्राइंग रूम में बैठिए, मैं अभी आती हूँ। अच्छी बात। क्या हो जाता है आपको? कुछ भी तो नहीं, अच्छा खासा हूँ। एक्टिंग कर रहा था ताकि आपकी सहेलियां परेशान ना करें। ये 420 मैं अभी बुलाती हूँ। हम दोनों के दरमियान किसी तीसरी चीज को नहीं आना चाहिए। अर्चना, अर्चना, अर्चना।
पूजा की थाली, कसी कसी जुल्फें, पुजारन का भेष बदल कर किसी फैंसी ड्रेस पार्टी में जा रही हो क्या? जी नहीं, मंदिर जा रही हूँ। आजकल की लड़कियाँ मंदिर जाया करती हैं क्या? किसी ने उन्हें रोक रखा है क्या? कपड़े, आजकल की लड़कियाँ कंजूस बहुत हो गई हैं। थोड़े कपड़े में सारा बदन कस लेती हैं और फिर भगवान के आगे बैठने उठने में तकलीफ होती है। क्या पता कौन सा कपड़ा किस वक्त कहाँ धोखा दे जाए। आप बेफिक्र रहिए, मैं काफी ढीली साड़ी पहनकर जा रही हूँ। लेकिन मैं पूछ सकता हूँ कि आज आपको मंदिर की याद कैसे आ गई? आपकी सलामती के लिए दुआ करने जा रही हूँ। क्यों, मुझे क्या हो गया? भगवान न करे कुछ हो, आज करवा चौथ है, सुहागनों का त्योहार, इसीलिए मैं मंदिर जा रही हूँ। जाइए जाइए, जरूर जाइए और खूब दिल लगाकर भगवान से अपने सुहाग की सलामती की दुआ मांगिए। नमस्ते। जीती रहो बेटी। आज आपको यहाँ देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। काश मैं खुशी के मौके पे आया होता, आया भी तो एक मनहूस खबर लेकर। मनहूस खबर? हाँ बेटी, तुम्हारा सुहाग उजड़ गया है। जी, क्या कहा? कमल चीनियों से मुकाबला करते हुए शहीद हो गया, उसकी लाश तक का पता नहीं चला। प्रोफेसर साहब, मेरे पति फौज में गए ही नहीं, वो अंदर सलामत मेरे पास मौजूद हैं। ये नामुमकिन है। आइए मेरे साथ। हाँ बेटी, तुम्हारी बर्बादी का तमाशा देख लिया। प्रोफेसर साहब, ये कमल नहीं राकेश है। ये कैसे हो सकता है? एक पत्नी अपने पति को पहचानने भूल नहीं कर सकती। तुमसे भूल हो चुकी है बेटी, इस जलील कमीने ने तुम्हें धोखा दिया है। प्रोफेसर, अब चले जाइए यहाँ से, आप मेरी जिंदगी में आग लगाने आए, मुझे बदनाम करना चाहते हैं। लेकिन बेटी, मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, कमल जिंदा है और मेरे पास है, अब चले जाइए यहाँ से, चले जाइए। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है बेटी, किस्मत ने तुम्हारे साथ कुछ मजाक ही ऐसा किया है। मैं यहाँ मिलिट्री कैंप में हूँ, मेरी जरूरत पड़े तो मुझे बुला लेना। ये कमल का डेथ सर्टिफिकेट है। हिंदुस्तानी फौज की हाई कमांड बहुत दुख के साथ आपको इत्तला देती है कि आपके पति सेकंड लेफ्टिनेंट कमल कुमार ने दुश्मनों से लड़ते हुए वीर गति प्राप्त की।
मांगा है दुआ सुहाग की, मुराद मिल गई। कि शादी मेरे साथ करो और हनीमून मनाने उसके साथ चली जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि शादी मेरे साथ करो और हनीमून मनाने उसके साथ चली जाओ, कहीं ऐसा ना हो हनीमून मनाने उसके साथ चले जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि शादी मेरे साथ करो, हनीमून मनाने उसके साथ चले जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि शादी मेरे साथ करो और हनीमून मनाने उसके साथ चले जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि शादी मेरे साथ करो। उधर देखो कमल, वो सामने जो पहाड़ी है ना, उसको राइडर्स पीक कहते हैं। जो सवार वहां तक जाकर आधे घंटे में वापस आ जाए वो एक्सपर्ट राइडर माना जाता है। आधे घंटे में? मैं 20 मिनट में वहां जाकर वापस आ सकता हूं। चले थे साथ मिलके, चलेंगे साथ मिलकर, चले थे साथ मिलके, चलेंगे साथ मिलकर। तुम्हें रुकना पड़ेगा मेरी आवाज सुनकर, चले थे साथ मिलके। अब मैं बाएं हाथ से तुम्हारे साथ क्या खेलूं, इस लेफ्ट हैंडर से जीतने वाला तुम्हारे शहर में कोई नहीं होगा। याद है तुम्हें, एक दिन तुम राइडर्स पीक तक जाकर 19 मिनट में वापस आ गए थे। तुम्हारी नजरों का इशारा हो जाए तो 15 मिनट में आ सकता हूँ। चाहिए हे भगवान, मेरी लाश रखना, ये कमल ही हो भगवान, ये कमल ही हो। घास खाने लगा था इसलिए देर हो गई।
तुम उदास क्यों हो? कल 12 मिनट में आके दिखा दूंगा। अर्चना, मैं सुबह से देख रहा हूँ तुम बहुत परेशान नजर आ रही हो, आखिर बात क्या है? दिल घबरा रहा है, मुझे वही गाना सुना जो तुमने एक दिन गाया था, शायद तबीयत बहल जाए। कौन सा गाना? अच्छा, ये गाना। टेबल टेनिस खेले। लेकिन अर्चना, टेबल टेनिस भी भूल गए हो क्या? कैसी बातें करती हो? चलो टेबल टेनिस खेले। चलो करती हो? मैं कमल हूं, कमल। अगर तू कमल है तो ये कौन था? राकेश जिंदा था? मैं खूनी नहीं हूं। मैं आज तक यही समझता रहा कि राकेश खून मैंने किया था। अर्चना, मैं खूनी नहीं हूं। राकेश दुश्मनों से लड़ता हुआ मारा गया है। झूठे जलील, अब नई चाल चल रहा है, इसमें राकेश नहीं कमल लिखा हुआ है। जो कुछ भी हो, मैं ही तुम्हारा कमल हूँ। इसमें जो कुछ भी लिखा है वो झूठ है। अगर मेरा सुहाग नहीं रहा, मेरी इज्जत नहीं रही, तो नहीं रहेगा। अर्चना, गिरफ्तार कीजिए इस बदमाश को। यही है वो जो मेरा पति बनकर मेरे साथ रहा, इसने मुझे धोखा दिया। इंस्पेक्टर, इनका दिमाग खराब हो गया, ये पागल हो गई हैं। मैं इनका पति हूं। ये झूठा है, मेरे पति स्वर्गवासी हो चुके हैं। उस देवता के रूप में ये भेड़िया है जिसे दुनिया राकेश के नाम से पुकारती है। ये इंसान नहीं, शैतान। शैतान? इसे शैतान कहना शैतान की बेइज्जती करना है। सिंह साहब, खबरदार जो तुम्हारी जबान पर मेरा नाम आया। इंस्पेक्टर साहब, इस पाखंडी को गिरफ्तार कर लीजिए। आप क्या कह रहे हैं? चुप रहो। ये कमल नहीं, राकेश। हम शक्ल होने का इसने नाजायज फायदा उठाया। कमल मर चुका है और ये मासूम लड़की अपना सुहाग खो चुकी है। नहीं नहीं नहीं, नहीं। ये झूठ है, ये झूठ है, ये झूठ है। नहीं नहीं नहीं, ये झूठ है। मुझ पर गलत इल्जाम है। मैं राकेश नहीं हूं, मैं कमल हूं, कमल हूं। मिस्टर कमल, आप दिल छोटा मत कीजिए। कानून की नजरों में सब बराबर है। बहसियत आपके वकील के, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप इस अदालत से राकेश नहीं कमर बनकर निकलेंगे। मिराज, मैं इजाजत है। गीता पर हाथ रखकर कसम खाइए
कि आप जो कहेंगी सच कहेंगी और सच के अलावा कुछ नहीं कहेंगी। मैं जो कहूंगी सच कहूंगी, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगी। अर्चना देवी, पति परमेश्वर होता है, भगवान होता है, और आज आप अपने उसी देवता को रुस्वा और जलील करने के लिए इस अदालत में लेकर आई। ये मेरा पति नहीं है, ये राकेश है जिसने मुझे धोखा दिया, मेरी इज्जत बर्बाद की। इंसाफ के सीने में पत्थर का दिल होता है अर्चना देवी, आप अपने आंसुओं से उस पत्थर को मोम नहीं बना सकते। आप एक बड़े बाप की बेटी हैं, मगरबी माहौल में आपने परवरिश पाई है और उस माहौल का आपके ऊपर ज्यादा असर रहा है। हो सकता है इस गरीब से आपकी तबीयत भर गई हो और आपने इसे अपनी जिंदगी से दूर करने के लिए यह बहाना तराशा हो। ये झूठ है। अगर ये झूठ है तो सच क्या है? आपको इससे तो इनकार नहीं कि आपके पति आपको बहुत चाहते थे, आपके बिना वो जिंदा रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। आपसे जुदा होने के कितने महीने बाद उनके मरने की खबर मिली? 10 महीने। उनके वो खत कहां है जो उन्होंने इस मुद्दत में आपको लिखे थे? मेरे पास उनका कोई खत नहीं आया। मिलॉर्ड, ये पॉइंट नोट किया जाए, अगर इनका पति एक चाहने वाला पति था तो उसने इनको खत क्यों नहीं लिखा? इससे साफ जाहिर है कि वो कभी फौज में भर्ती नहीं हुआ और यही बदनसीब इनका पति है। आई ऑब्जेक्ट मिलॉर्ड, ये भी तो हो सकता है कि मरहूम ने खत लिखे हो और राकेश ने वो खत अर्चना देवी के पास पहुंचने से पहले ही फाड़ दिए हो ताकि इनके गुनाहों पर पर्दा पड़ा रहे। मिलॉर्ड, ये शख्स जो इनका पति बनकर आया, इनके साथ रहा और शौहरी हक का मालिक बनकर रहा, ये इनका शौहर कमल नहीं बल्कि राकेश है, जो पढ़ाई के जमाने से ही अपनी आवारगी के लिए मशहूर है। इसने इंतहाई शर्मनाक जुर्म का इर्तिकाब किया है। इसने उस शहीद की बेवा की इज्जत लूटी है जो मुल्क की तमाम मां बहनों की इज्जत पर कुर्बान हो गया। मिलॉर्ड, जज्बात के धारे में बहना एक अलग बात है और एक जुर्म को साबित करना अलग। मेरे मोहतरम दोस्त अपने ड्रामाई अंदाज से अदालत को मुतासर करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अदालत से दरखास्त करूंगा कि मुझे इनके गवाहों से जिरह करने की इजाजत दी जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। इजाजत है। तुमको ये कैसे मालूम हुआ कि ये कमल नहीं राकेश है? अगर ये कमल बाबू होता तो सामने के दरवाजे से आता, पीछे से दीवार फाड़ तो चोरों की तरह ना आता। मुझे अच्छी तरह याद है हुजूर, मैं पहरा दे रहा था और ये पीछे से दीवार फाड़ कर आया। अगर ये मालिक है तो इसे चोरों कराने की क्या जरूरत थी? पूछिए। तुम जा सकते हो। जिस वक्त ये हवेली में आए तुम कहां थे? जी, मैं कमरे में बीवी के पास। वहां क्या कर रहे थे? वहां क्या कर रहा था बताना जरूरी है क्या? बिल्कुल जी। वो जोर से बोलो। आप बोल दीजिए ना मेरी तरफ से, मुझे जरा बोलो। जी वो उनके पांव दर्द कर रहे थे, मैं दबा रहा था। तुम्हें शुबा था कि ये कमल नहीं है? नहीं। तो फिर ये कमल है? जी, अगर वो कहती है नहीं है तो फिर नहीं है। तुम क्या कहते हो? जो मालिक कहे वही नौकर को कहना चाहिए। जिसका खाए उसी का गुण गाए। अरे क्या शेरवानी अनारस है। सॉरी, मैं जाऊं? जाओ। ये आदमी जो आपके सामने कटहरे में खड़ा है कौन है? राकेश। गौर से देखकर बताइए। कमल का डेथ सर्टिफिकेट शायद आप देख चुके। मैं इन्हें देखने के लिए कह रहा हूं मेजर साहब, गौर से देखकर बताइए क्या ये कमल नहीं है? कमल दुश्मनों से लड़ता हुआ शहीद हुआ है, ये राकेश है जो फौज में भर्ती होने से पहले ही भाग गया था। मुझे वो लम्हात अच्छी तरह याद है जब मैं सुबह के वक्त राकेश के टेंट में गया और उसके साथी ने कहा कि वो उस रात से ही लापता है। क्या आपने कभी कमल और राकेश के पहचानने में गलती नहीं की? नहीं। ये झूठ है, सरासर झूठ है। क्या आप इससे इनकार कर सकते हैं कि आपने कमल और राकेश को उस वक्त पहचानने में गलती नहीं की थी जब वो दोनों फौज में भर्ती होने के लिए आए थे? की थी, इसलिए कि दोनों को मैं एक साल के बाद देख रहा था। मिलॉर्ड, ये पॉइंट नोट किया जाए। मेजर साहब, हो सकता है कि आपने दूसरे दिन भी पहचानने में गलती की हो। ये कैसे हो सकता है? हो सकता है, हो क्यों नहीं सकता? मेजर साहब, आप फरिश्ता नहीं इंसान है। अगर आप एक बार गलती कर सकते हैं तो दूसरी बार भी गलती कर सकते हैं। क्या ये नहीं हो सकता कि जिस तरह कमल अपने आप को राकेश का कातिल समझता रहा है, उसी तरह राकेश ने ये सोचा हो कि कमल मर चुका है और वो अपनी जान बचाने के लिए कमल बन गया हो, और राकेश के मरने के बाद आप कमल को राकेश समझ रहे हो? ऐसा मैं सोच भी नहीं सकता। ये बिल्कुल गलत है।
राकेश फौज में अपना नाम कमल कैसे लिखवा सकता था? कमल मेरे साथ 6 महीने रहा। मैं मानता हूं कि कमल और राकेश की शक्लें एक जैसी थी, मगर आदतों में जमीन आसमान का फर्क था। उस दौरान में मैं दावे के साथ कह सकता हूं, कमल ने एक भी हरकत राकेश जैसी नहीं की। हो सकता है उसने कमल की नकल की हो। वकील साहब, ये मत भूलिए कि ये शख्स जो आपके सामने खड़ा है और जिसे आप कमल कह के पुकार रहे हैं, इसमें कमल की एक भी आदत नहीं। और अगर मरने वाला राकेश था जो कमल की नकल कर रहा था, तो ये शख्स जिसे आप कमल कह रहे हैं किसकी नकल कर रहा है, मेरी या आपकी? ये आप किस बिना पे कहते हैं कि इनमें कमल की आदत नहीं है? अगर इनमें कमल की आदत नहीं होती तो अर्चना देवी इतने दिनों तक इनके साथ नहीं रहती। ये बेचारी मासूम इसलिए इसे कमल समझती रही कि इसे कतई शक नहीं था कि ये राकेश है। हो सकता है अर्चना देवी के शक ने कमल को राकेश बना दिया हो। शक नहीं, असलियत ने अर्चना देवी को ऐसा सोचने पर मजबूर किया। वकील साहब, ये शख्स इनकी कसौटी पर पूरा नहीं उतरा। ये 20 मिनट के बजाय 1.25 घंटे में राइडर्स पीक से वापस आया। जिस गाने की फरमाइश की गई वो गाना नहीं गा सका। और सबसे बड़ी बात यह है कि कमल लेफ्ट हैंडर था और ये राइट हैंडर है। बैरिस्टर साहब, लेफ्ट हैंडर राइट हैंड से खेल सकता है, घोड़ा बीमार हो सकता है और याद किया हुआ गाना इंसान भूल सकता है। जरा सोचिए, अगर आपकी बीवी आपसे किसी खास गाने की फरमाइश करे और आप उस गाने को भूल चुके हो, तो क्या आपकी बीवी इस बिना पे आपको अपना पति मानने से इनकार करेंगे? बोलिए, आप चुप क्यों? ऑर्डर, ऑर्डर। योर ऑनर, ऐसी बातों से मुलजिम को मुजरिम साबित करना नामुमकिन है। लेकिन अब मैं नामुमकिन को मुमकिन बना दूंगा। वकील साहब, मिलॉर्ड, अब मैं एक ऐसा गवाह पेश करना चाहता हूं जिसकी गवाही इंसान क्या भगवान भी तस्लीम करेंगे, और वो है मुलजिम का पिता बैरिस्टर रणदीप। गीता पर हाथ रख के कसम खाइए कि आप जो कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। कुछ कहूंगा, सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। बैरिस्टर साहब, क्या ये शख्स जो आपके सामने खड़ा है आपका अपना खून नहीं? इसे दुनिया वाले आपका बेटा नहीं कहते? मुझे इसे बेटा कहते हुए शर्म महसूस होती है। महावीर मेरा दोस्त नहीं, भाई जैसा है। अर्चना मेरी बेटी है। इस कमबख्त ने अर्चना की नहीं अपनी सगी बहन की रख ली है। बैरिस्टर साहब, आपको पक्का यकीन है कि यह आपका बेटा है? आपको कोई शक है? नहीं, मेरा मतलब है कोई सबूत। आपके बाप का क्या नाम है? इकबाल सिंह। आपके पास क्या सबूत है कि वो आपके बाप है? ऑर्डर, ऑर्डर। मुझे मेरी माँ ने बताया। इसी तरह मेरी बीवी ने मुझे बताया था कि ये मेरा बेटा है। और कुछ पूछना है आपको? जी नहीं। बैरिस्टर साहब, फौज में भर्ती होने के बाद राकेश का कोई खत आया था? जी नहीं। जब बहुत दिनों तक इसकी मुझे कोई खबर न मिली, तो मैंने ट्रेनिंग सेंटर में खत लिखा। उसका जवाब मिला कि ये बुजदिल फौज में भर्ती होने से पहले ही भाग गया है। मैं बेचैन रहा, इसके लिए तड़पता रहा, और कभी इसकी मौत का ख्याल आता था तो रातों की नींद हराम हो जाती थी। काश ये मर गया होता। ऐसी औलाद से बे औलाद होना अच्छा है। मिलाड, मैं इसके बाप की हैसियत से दरख्वास्त करूंगा कि इसे सख्त से सख्त सजा दी जाए, बीच बाजार कोड़े मारे जाए, इसे जिंदा दफन कर दिया जाए। मिलॉर्ड, गवाहों के बयानात से यह साबित हो चुका है कि मुलजिम ही राकेश है। इसलिए मैं अदालत से दरखास्त करूंगा कि मुलजिम राकेश को जेर दफा 493 और 419 ताजीरात हिंद की रूह से मुजरिम करार देकर सख्त से सख्त सजा दी जाए। अदालत अपना फैसला कल सुनाएगी। ऐसे लोग हमारे समाज के मुंह पर कलंक का टीका हैं। मुलजिम राकेश ने जो एक बेवा की इज्जत के साथ दरिंदगी की है, वो इंतहाई शर्मनाक है। एक सपूत वो था जो देश की इज्जत के लिए मर मिटा, और दूसरा ये है जो इंसानियत के नाम पर एक दाग है जिसने एक सीता जैसी पाक औरत की इज्जत लूट ली। मुझे अफसोस है कि इंडियन पेनल कोड में ऐसे मुजरिमों के लिए सजाए मौत नहीं है, वरना मैं इसे जरूर फांसी की सजा देता। लेकिन कानून का लिहाज रखते हुए
दफा 419 और दफा 493 के तहत मैं राकेश वल्ल रणधीर कुमार को 10 साल कैद में बंद करने की सजा। हाजिर किया जाए। इससे पहले कि बेगुनाह को गुनाहगार करार दे दिया जाए, मैं इस अदालत के सामने ये इकरार करने के लिए हाजिर हुआ हूं कि ये राकेश नहीं है। राकेश मैं हूं। मैं केस खत्म हो चुका है, आप हुक्म सारे फरमाएंगे। वकील साहब, सुहागन को बेवा और पतिव्रता को पतिता बनाने के बाद ही भेजेंगे यहां से। लेकिन मीनार, प्लीज सिट डाउन। ये जो कहते हैं ने कहने दिया जाए। गीता पर हाथ रखकर कसम खाइए कि आप जो कहेंगे सच कहेंगे, सच के अलावा कुछ नहीं कहेंगे। मैं जो भी कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। मिलोर्ड, मुझे वो रात अच्छी तरह याद है जब हम दोनों मौत और जिंदगी की लड़ाई लड़े थे। जब मैं पानी के बाहर आया तो कमल का पता नहीं था। मैं समझा ये मारा गया। फांसी का फंदा मेरी निगाहों में घूमने लगा। लेकिन प्रोफेसर सिंह की वो बात मेरे लिए सहारा बन गई कि उन्होंने हमें एक साल के बाद देखा तो पहचान नहीं सके। मैं डर रहा था कोई मुझे देख ना ले। हर नजर मेरे लिए मौत का पैगाम थी। मैं छुपता हुआ जख्मी हालत में कैंप पहुंचा। मैं अपने टेंट में नहीं गया। खुद को बचाने के लिए मैं कमल बनकर उसके टेंट में चला गया। फिर दूसरे दिन सुबह सुनो। यस सर, राकेश को बुलाओ। राकेश सर, वो तो रात से गायब है। रात से गायब है? यस। सिंह साहब के कदम मेरी तरफ पड़े। मैं उम्मीद और ना उम्मीदी के भवन में फंसा हुआ था। उनके पहचानने और ना पहचानने पर ही मेरी जिंदगी का दारोमदार था। कमल, यस, तुमने राकेश को देखा? जी नहीं। शायद वो भाग गया है। ऐसे नालायकों के लिए आर्मी ठीक भी नहीं है। खैर, तुम जल्दी तैयार हो जाओ। थोड़ी देर में तुम लोगों को ओथ दी जाएगी और तुम सिविलियन से मिलिट्री मैन बन जाओगे। यस सर। राइट। और जिंदगी मुझ पर मेहरबान हो गई। मैंने बाजी जीत ली थी। खुश होकर मैंने विसल बजाना चाहा, लेकिन मैं रुक गया, इसलिए कि अब मैं राकेश नहीं कमल था। मैंने सोचा मुझे अपनी आदतें छोड़कर कमल की आदतों को अपनाना पड़ेगा। और फिर कमल मरकर भी जिंदा था और राकेश जिंदा रहकर भी मर चुका था। मैंने वहां कमल बनकर ट्रेनिंग खत्म की। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद मुझे सड़क पर भेज दिया गया और एक दिन दुश्मनों से सामना हो गया। हर तरफ मौत ही मौत थी। और फिर मौत के भयानक साए ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया। हमारी रेजिमेंट ने समझा कि मैं मारा गया, लेकिन चंद तिब्बती दोस्तों ने मेरी हिफाजत की और मेरा इलाज किया। मैं जिंदगी की तरफ भाग रहा था और मौत मेरे करीब आ रही थी। मैं दुश्मनों से बचता हुआ अनजाने रास्ते पर बढ़ रहा था। कभी कभी मैं ऐसा महसूस करता था कि मैं इन पहाड़ों से कभी नहीं निकल पाऊंगा और यूं ही भूखा प्यासा तड़प तड़प कर मर जाऊंगा। लेकिन मुझ पर जिंदगी अब भी मेहरबान थी। मुझे एक बस्ती दिखाई दी। मैं थकावट से चूर उस बस्ती की तरफ बढ़ा। भूख से मेरा बुरा हाल था। कई दिनों से मुझे खाने के लिए कुछ नहीं मिला था। मैं लड़खड़ाता हुआ
एक होटल की तरफ गया। उस पहाड़ी ने तरस खाकर मुझे कुछ खाने के लिए दिया। मैं आगे बढ़ा तो मिलिट्री कैंप दिखाई दिया। मैं रिपोर्ट देने के लिए कैंप की तरफ जा रहा था कि मैं जिंदा हूं। अचानक अखबार पर मेरी नजर पड़ी। कमल और अर्चना की फोटो देखकर मैं चौंक पड़ा, लेकिन अर्चना कमल को कमल नहीं राकेश समझ रही थी। पुराने जख्म फिर हरे हो गए। हालात आज मेरा साथ दे रहे थे। अर्चना और कमल से बदला लेने की ख्वाहिश मेरे अंदर जाग उठी। मैं मिलिट्री कैंप नहीं गया। मैंने सोचा जब कमल को सजा हो जाएगी तो मैं कमल बनकर अर्चना के पास पहुंच जाऊंगा और अपनी नामराजियों का बदला लूंगा। इसलिए इन दोनों की बर्बादी का तमाशा देखने के लिए मैं इस अदालत में छुप छुप कर आने लगा। लेकिन पिताजी के बयान और अर्चना के आंसू ने मेरे दिल के पाप को धो दिया। मैंने महसूस किया हर औरत जिसके मां में सुहाग का सिंदूर भर चुका है, मेरी बहन, मेरी मां है। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा अजीब केस कभी नहीं देखा। मुझे खुशी है कि बेकसूर सजा से बच गया। राकेश का बयान हमारे नौजवानों के लिए एक पैगाम है कि हमें अपनी मां, बहनों और बेटियों की इज्जत करनी चाहिए। अदालत कमल को बाइज्जत बरी करती है। इसमें कसूर तुम्हारा नहीं, मेरी नसीब का। हर लाल चीज को देखकर मुझे राकेश का खून याद आ जाता था। राइडर्स पीक पे सिंह साहब को देखकर मैं छुप गया था, इसलिए देर से पहुंचा था। मैं जानता था कि तुम टेबल टेनिस मुझसे बाएं हाथ से नहीं खेल सकती, इसलिए दाहिने हाथ से खेला था और तुमने गलत मतलब निकाल दिया। मेरी बच्ची। कमल, मैं इस अदालत का तो नहीं लेकिन तुम दोनों का गुनहगार हूं। हो सके तो मुझे माफ कर देना। राकेश, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। मैं तुम्हें क्या समझता था और तुम क्या निकले। तुम पत्थर नहीं, हीरा हो, हीरा। तारीफ मेरी नहीं, इसकी करो जिसने पत्थर को तराश कर हीरा बना दिया। अर्चना, इस विद्यार्थी को संभाल कर रखना। सलाह की